तो लिसनर्स, टुडे माय टॉपिक इज अबाउट लव। आज हम देखेंगे कि मोहब्बत क्या चीज़ है। तारीख में हज़ारों कहानियां हमें मिलती हैं मोहब्बत के बारे में, हज़ारों मूवीज़ मिलती हैं, हज़ार डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं मोहब्बत के बारे में। इतने शोरा ने मोहब्बत के बारे में लिखा, ये मोहब्बत है क्या? एक्चुअली मोहब्बत दुनिया की वो हकीकत है जिसका कोई वजूद नहीं है। कुछ लोगों ने इसे एहसास का नाम दिया, कुछ लोगों ने इसे साथ रहने का नाम दिया, कुछ लोगों ने इसे दोस्ती का नाम दिया। एक्चुअली लव इज लाइट, मोहब्बत एक रोशनी का नाम है। वो रोशनी जो सूरज से निकलती है और चांद को जाके रोशन कर देती है। ये एक रास्ता है, सूरज से एक रोशनी निकली, चांद को उसने जाकर रोशन किया। चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं थी। ये एक सूरज एक वजूद है और चांद एक वजूद है। ये रोशनी एक रास्ता है दोनों के दरमियान, जिस एक ताल्लुक कायम हुआ जिसकी वजह से दूसरा जिस्म रोशन हो गया, जिसकी वजह से दूसरा जिस्म वाजिया हो गया। ये मोहब्बत है। मोहब्बत एक रोशनी है जो एक बदन से निकलती है और दूसरे बदन पे पड़ती है और एक बेनाम जिस्म को रोशन कर देती है। मोहब्बत में कंडीशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मोहब्बत एक अनकंडीशनल सी चीज़ है। इसमें किसी का हैंडसम होना, गुड लुकिंग होना मैटर नहीं करता। ये एक एहसास का नाम है। मोहब्बत का रूह से ताल्लुक़ है। मोहब्बत एक रूह के रिश्ते का नाम है। ये एक रूह की गजा है। जिस तरह हर चीज़ के दो जिस्म होते हैं, एक जाहिर और एक पोशीदा। जाहिर जिस्म की भी कुछ खुराक होती है और पोशीदा जिस्म की भी कोई खुराक होती है। तो बहुत से शोरा ने, बहुत से मुसन्निफों ने मोहब्बत को रूह की गजा का नाम दिया है। रूह नाम की भी एक चीज़ है, तो उसे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसे मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम जिस्म को फिट करने के लिए पानी पीते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो रूह को भी भूख लगती है, इसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो रूह की ग़ज़ा मोहब्बत होती है।